गुड मॉर्निंग किडनी वॉरियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ गोविंद मोदानी फ्रॉम जयपुर द पिंक सिटी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ए किडनी पेशेंट फॉर लास्ट 14 ईयर्स एंड इन बिटवीन आई हैड ए किडनी ट्रांसप्लांट, बट आफ्टर द ट्रांसप्लांट 5 ईयर्स इट वॉज रिजेक्टेड बाई द बॉडी एंड आई वॉज अगेन ऑन डायलिसिस। फॉर लास्ट 5 ईयर्स I am on dialysis. This year, the Kidney World Day, the theme is Living Well with Kidney Disease. So I will like to mention that for last these 5 years, I have been living very well and easily with some walking and with some exercises. I feel if we are active and have some exercises daily, we will be able to maintain our body well. I am on non-dialysis days, I try to walk for about 2 kilometers in the central park, and when the corona phase was there and in during winter जब हम वहां नहीं जा पा रहे थे तो मैं घर पर ही कुछ एक्सरसाइजेस करके अपनी उस एक्टिविटी को कायम रखने की कोशिश करता था। मैं आपको उन कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस के बारे में बताना चाहूंगा जिससे कि हम अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। इस प्रकार आप छोटी छोटी एक्सरसाइज जितनी आप अपनी श्रद्धा अनुसार एवं शरीर की क्षमता अनुसार कर सकते हैं उससे आपका शरीर हमेशा फ्लेक्सिबल बना रहेगा और आप
आप इनमें से जो भी एक्सरसाइज आसानी से कर सकें वो आप अवश्य नित्य करने की कोशिश करें। इसमें एक्सरसाइज करने से ज्यादा रेगुलरिटी एवं नियमितता ज्यादा आवश्यक है। आप जिस भी तरह से अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएं, अपने शरीर को थोड़ा बहुत हिलाने डुलाने की चेष्टा करें, तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं शारीरिक रूप के साथ में अपनी मानसिक चेतना के लिए सुबह सुबह सुडोकू अवश्य भरता हूं, और वर्ग पहेली जो हिंदी में आती है उसको भी पूरी करने की चेष्टा करता हूं, ताकि शारीरिक के साथ साथ मैं अपने मानसिक स्तर को भी बनाए रख सकूं। मैं सुबह यही कोशिश करता हूं कि इस पद्मासन अवस्था में भी कम से कम 15-20 मिनट तक बैठूं और कपालभाति या अनुलोम विलोम या अन्य जो भी प्राणायाम आवश्यकता अनुसार या अपनी क्षमता अनुसार नित्य कर सकूं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इस बीमारी के साथ हमें रहना सीखना होगा, और यही मानकर चलना होगा कि ये जो बीमारी हमें किडनी की है, ये डायलिसिस से हम इसको शुद्ध कर लेते हैं हमारे रक्त को, और उसके बाद में हमारे बाकी शरीर के सब अंगों के लिए हमें कुछ न कुछ एक्सरसाइज नियमित रूप से करनी चाहिए। मेरा तो यही सुझाव है कि यदि आप अपने समय में से थोड़ा सा समय निकालकर इस प्रकार एक्टिव रहने की कोशिश करेंगे, तो निश्चय ही आप अपनी इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। ये किसी भी तरह की एक्सरसाइज, चाहे वो कदम ताल हो, चाहे वो किसी भी तरह की एक्सरसाइज हमें अवश्य करनी चाहिए, और वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुबह सुबह हमें घूमने जरूर निकलना चाहिए। धन्यवाद।